Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Physics care. Welcome to the third part of the chapter Entertainment and History. Entertainment and History is the sixth, sixth chapter in tenth Maharashtra State Board. So, in the first two parts, we have studied about uh, we have studied about ancient Indian. प्लेज और वी स्टडीड अबाउट ऑफ थिएटर और ड्रामा सो मराठी थिएटर सो ड्रामा का मीनिंग होता है जो हम नाटक देखते हैं नाटक होता है तो उसे थिएटर बोलते हैं थिएटर इज अ प्लेस डिवोटेड टू परफॉर्मेंस आइर सोलो और कलेक्टिव सोलो मतलब वैन वन पर्सन विल परफॉर्म दैट इज सोलो परफॉर्मेंस वेन मेनी पीपल विल परफॉर्म दैट इज कलेक्टिव परफॉर्मेंस सो थिएटर इज अ प्लेस डिवोटेड टू परफॉर्मेंस आइदर सोलो और कलेक्टिव ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ आर्टिस्ट एज वेल एज ऑडियंस इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस सो परफॉर्मिंग आर्ट्स ये हम आर्ट जाके परफॉर्म करते हैं सभी लोग जाके स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हैं दैट इज परफॉर्म सो आर्टिस्ट एंड ऑडियंस बोथ शुड पार्टिसिपेट दोनों पार्टिसिपेट होंगे तो ही नाटक चलेगा नहीं तो नाटक नहीं चलेगा थिएटर कंपेराइज सेवरल फैक्टर्स है अ स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट मीन्स जो स्टोरी है डायरेक्टर डायरेक्ट एवरीथिंग कि कैसे किसने एक्ट करना चाहिए डायलॉग किसने कैसे बोलना चाहिए आर्टिस्ट देन कॉस्ट्यूम्स स्टेज आर्ट डिजाइन द डिजाइन ऑफ द डिजाइन ऑफ द थिएटर थिएटर जब भी हम करते हैं तो उसके कुछ डिजाइन होता है कि या सेट होता है दैट सेट डिजाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट देन

विच आर यूजिंग डांस एंड म्यूजिक ऑल्सो और ड्रामा इज यूजली यूनाइटेड विद द हेल्प ऑफ डायलॉग्स हवेवर मीम कैन ऑल्सो बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन सो दे आर यूजिंग डायलॉग्स डायलॉग्स आर यूज वेल परफॉर्मिंग सो डायलॉग यूज करके अलग अलग स्टोरीज का परफॉर्मेंस करते हैं यू मस्ट हैस नाटक ये जो नाटक होते हैं उसमें जो आर्टिस्ट होते हैं ये डायलॉग्स यूज करते हैं और डायलॉग यूज करके स्टोरी बताते हैं हमें या एंटरटेन करते द रूर ऑफ भोसले फैमिली of tanjore were great patrons of drama so they were great uh, great lovers of drama some of them had written a play and also translated sanskrit uh, sanskrit plays the 19th century saw a great development of marathi theater so vishnudas bhave is known as father of marathi theater so please underline this this is important vishnudas bhave is called as father of marathi theater he was the first person who has started the theater or drama or natak

तो फार्सिकल फ्लैसते होते हैं जो या फिर हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं जो हिस्ट्री के ऊपर अलग अलग, अलग इवेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं देन वी आर हैविंग माइथोलॉजिकल स्टोरीज गॉड के ऊपर बेस्ड होंगे शोज तो ये अलग अलग, अलग तरीके के शोज हमने यूज़ किया और फार्सिकल नाटक दैट विल यूज तो फार्सिकल प्लेस डेल्थ विद सोशल इशूज इन ह्यूमरस वे ये सोशल इशूज अबाउट सोशल इशूज़ लाइक अनएम्प्लॉयमेंट और वी आर हैविंग इलिटरेसी ये जो इशूज है इसको हम नाटक में यूज करेंगे नाटक में बताएंगे और ये कैसे बताएंगे सीधा नहीं बताएंगे उसको ह्यूमरस तरीके से बताएंगे एज अ कॉमेडी अलॉन्ग एंटरटेनमेंट वी आर ऑल्सो एजुकेटिंग द पीपल सो दिस आर फार्सिकल फार्सिकल नाटक देन इनिशियली नो रिटर्न स्क्रिप्ट वेर यूज ऑफन ओनली द लिरिक्स वेयर रिटर्न डाउन बट द डायलॉग्स वेर टू बी स्पॉन्टेनियस तो ये क्या करते थे कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा होता था सिर्फ लिरिक्स लिखा होता था सॉन्ग लिखा होता था लेकिन जो भी जो भी डायलॉग्स है ये स्पॉन्टेनस होते थे पहले सोचते नहीं थे जो आर्टिस्ट थे स्पॉन्टेनियसली जो उनके मन में आया वो डायलॉग बोल देते थे सो दैट वाज वी वीजे कीर्तने वाज द फर्स्ट ऑर्धर हु रोट द स्क्रिप्ट ऑफ थोरले माधवराव पेशवे जो थोरले माधवराव पेशवे ही वॉज अ पेशवा लीडर सो यू मस्ट हैव सीन अबाउट बाजीराव मूवी तो ये उनके घर से थोरले माधवराव पेशवे ही वॉज अ पेशवा लीडर सो उनके ऊपर उन्होंने नाटक लिखा था सो so,

द लेटर हाफ ऑफ नाइनटीन सेंचुरी बालकृष्ण बुआ करंजी करताम खान एंड उस्ताद रहीमत खान कॉन्ट्रीब्यूट इन द ग्रेट वे उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक यूज किया नाटक मेंल्प इन डेवलपिंग टेस्ट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एमोंग द ऑडियंस इन महाराष्ट्रिकल पहले संगीत नाटक भी होते थे कि म्यूजिकल नाटक होते थे ये म्यूजिकल प्लेज होते थे ये भी स्टार्ट हुआ दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स टेकन बाय दिस पर्सन दिस पीपल द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक रिजल्टेड इन द ओरिजिन ऑफ मराठी म्यूजिकल मराठी थिएटर सो म्यूजिकल नाटक होते थे या फिर संगीत नाट्य बोलते हैं उनको द म्यूजिकल प्लेज ऑफ किर्लोस्कर मंडली मंडली मीन्स ग्रुप बिकेम वेरी पॉपुलर सो संगीत शकुंतल रिटन बाय अन्ना साहेब किर्लोस्कर ऑन द ग्रेट पॉपुलैरिटी अनदर म्यूजिकल प्ले शारदा रिटन बाय गोविंद बल्लाल देवल इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट एज इट कमिट्स इन द ह्यूमरस स्टाइल ऑफ एवील कस्टम्स ऑफ मैरिंग यंग एज टूज मैन सो ये देखो ये इशू है इट इज अ सोशल इशू वेर यंग गर्ल आर फोर्स टू मैरी अ ओल्ड पर्सन बट इफ यू यू टेल दिस नो बडी विलेल दिस एज अ प्ले और एज अटक एंड इट इज इट इज इन इट शुड ह्यूमरस वे कॉमेडी के तरीके से हम बताएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग सुनेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे एजुकेट होंगे ऑल्सो प्लेस सच एज मूक नायक रिटन बाय श्रीपाद कृष्ण कोल्हाटकर संगीत महापनम रिटन बाय कृष्णाजी प्रभाकर खदलकर और खाडिलकर एंड एकज प्याला रिटन बाय राम गणेश गडकरी आर इम्पोर्टेंट इन दिस्ट्री ऑफ मराठी थिएटर दिज आर द सम इम्पॉर्टेंट नाटक एंड द राइटर्स ऑफ दिस नाटक सिखाधिरकर रोट कीचक वध मेटाफोरोलॉजिकल ड्रामा ऑफ टू डिनाउंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट सो ये जो कीचक वध है उन्होंने उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के गलत कामों के बारे में लिखा बट डेट वॉज नॉट रिटर्न इन डिरेक्ट वे डिरेक्ट वे से उन्होंने नहीं लिखा ये कीचक और मैथोलॉजिकल स्टोरीज यूज करके उन्होंने हर स्टोरीज का जो जो भी पात्र है उसे अलग अलग तरीके का तरीके का रोल दिया इट वॉज बेस्ड ऑन सर्टन इवेंट्स इन महाभारत द्रौपदी रिप्रेजेंट्स हैपलेस मदर मदर इंडिया सो द्रौपदी का जो काम था दैट वाज रिप्रेजेंटिंग मदर इंडिया और इंडिया वाइलिस्टर रिप्रेजेंट मॉडरेट्स मॉडरेट्स देर वर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल इन कांग्रेस एक तो मॉडरेट्स थे जो मानते थे कि अगर हमने लेटर लिख के या फिर पिटिशन करके अगर आजादी मांगा तो ब्रिटिशर्स आजादी दे देंगे या फिर हमें कुछ फ्रीडम दे देंगे एंड देर वर सम पीपल कॉल्ड एज एक्सट्रीमिट्स लाइक लोकमान्य लोक मान्य टिड़क थिंकिंग दैट ब्रिटिशर्स आउट फ्रॉम इंडिया जब भी उनको हम बाहर से बाहर निकाल देंगे इंडिया से तभी जाके हमें फ्रीडम मिलेगा वो अपने खुद के मन से फ्रीडम नहीं देंगे उसे जब तक हम निकाल नहीं देते फ्रीडम मिलेगा दिस वॉज द थिंकिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लाइक लोकमान पीपल लाइक गोपाल गणेश अगरकर और वी आर रविंग गोपाल कृष्ण गोखले दिस वेर दीपल हुर मॉडरेट सो इन दिस नाटक भीम वॉज रिप्रेजेंटिंग एक्सट्रीमिस्ट कीचक रिप्रेजेंटेड द इन लॉर्ड वॉइस रॉय लॉर्ड कर्जन कर्जन सो लॉर्ड करजन लॉर्डनॉय ऑफ इंडिया सो कीचक कीचक वध वध मतलब मार देना कीचक को सो दैट इज लॉर्ड कर्जन करजन ऑडियंस टू यूजीव कैरेक्टर्स इन द फैशन एंड फील एनगरेज अबाउट द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट सो ये जो लोग नाटक देखने आते थे नाटक देख के या ऐसा लगता था कि यहाँ माइथोलॉजिकल स्टोरी चल रहा है या कोई एंशियंट कथा के ऊपर काम नाटक चल रहा है बट

नेम ऑफ द प्लेज आर साष्टांग नमस्कार उद्याचा उघड्याचा संसार अँड घराबाहेर सो दिस प्लेज आर दिस प्लेड व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल सो बिकॉज ऑफ दिस प्ले मेनी पीपल स्टार्टेड कमिंग अँड वॉचिंग नाटक द रिसंट प्लेस बेस्ड ऑन हिस्टॉरिकल थीम लाईक रायगडाला जेव्हा जाग येते ते ओशाळला मृत्यू बाय वसंत कानेटकर घाशीराम कोतवाल बाय विजय तेंडुलकर तिळक आणि आगरकर बाय विश बेडेकर आर व्हेरी पॉप्युलर सो दिस आर द प्लेस दॅट आर व्हेरी पॉप्युलर इन द रिसंट टाईम

सी पहले जो प्लेस होते थे ये ओपन ग्राउंड में होते थे जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने नाटक नाटक थिएटर बनाया अलग, जहां नाटक होते ब्रिटिश ब्रिटिश the so, पहले ओपनली होते थे बाहर अभी थिएटर होते जैसे मूवी थिएटर होता है वैसे नाटक का भी थिएटर होता है नटक सम्राट नाना पाटेकर प्लेड वेरी ग्रेट रोल इन दैट मूवी सी दैट मूवी वॉज बेस्ड ऑन अटक ऑर अर अ थिएटर नाटक द रिनोडर पोएट विष्णु वामन शिवडकर ऑल्सो नोन एज कुम्राट सो नट सम्राट दैट नाटक वॉज रिटन बाई कुर शेक्सपियर्स वेल नोन प्ले किंग शेक्सपियर का जो प्ले था किंग लियर उसके ऊपर आधारित था नट सम्राट इट बिकेम वेरी पॉपुलर गणपतराव बिलवलकर द रोल दैट वॉज प्लेड बाय नाना पाटेकर गणपतराव बिलवलकर द ट्रेजिक ऑफ नटर सम्राट रिप्रेजेंट्स अ ब्लेंड ऑफ टू वेल नोन पर्सनैलिटीज इन अर्ली मराठी स्टेज सो गणपतराव बिलवलकर का जो रोल था दैट वॉज बेस्ड ऑन टू ग्रेट पीपल इन मराठी थिएटर फर्स्ट वन वॉज गणपतराव जोशी एंड नाना साहेब पाठक सो so, इनके दोनों से इंस्पायर होकर वो उन्होंने एक एक कैरेक्टर बनाया था दैट इज गणपतराव द नाटक पार्ट और थिएटर पार्ट सो इन फोर्थ वी विल टॉक अबाउट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सो इफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग